नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्सपर्ट एडवाइस। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसके बारे में शायद ही आपने सुना हो, मगर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो आपने फेस ज़रूर किया होगा। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपने मोबाइल पर पबजी जैसा गेम खेल रहे हो, या हो सकता है सिनेमा हॉल में आप कोई मूवी देख रहे हो, या हो सकता है काफ़ी टाइम तक अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर स्क्रीन पर आप काफ़ी देर तक वीडियोज़ देख रहे हो और कुछ टाइम बाद आपने अपने गर्दन के पीछे की ओर पेन महसूस किया हो। हो सकता है हल्का सा हुआ हो और हो सकता है काफ़ी हुआ हो, वो पर्सन टू पर्सन वेराई कर सकता है, मगर आपने महसूस ज़रूर किया होगा। जी हाँ दोस्तों, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये एक तरह का सिंड्रोम है जिसे टेक्स्ट नेक सिंड्रोम भी कहा जाता है। ये नाम US के काइरोप्रैक्टर डॉक्टर DL फिशमैन ने दिया है, जो कि एक तरह की रिपीटेड स्ट्रेस इंजरी है और एक तरह का पेन है जो स्मार्टफोन्स पर ज़रूरत से ज़्यादा टेक्स्टिंग या बिंज वॉचिंग की वजह से होता है। इसे टर्टल नेक पोस्चर या इंटीरियर हेड सिंड्रोम भी कहा जाता है। ये सिंड्रोम आज पूरी दुनिया में अपना जाल फैला रहा है और हम इसे फेस तो कर रहे हैं मगर इसके बारे में डिटेल में नहीं जानते। आपको यकीन नहीं होगा कि इस सिंड्रोम के बारे में आपको यूट्यूब पर एक भी सिंगल वीडियो हिंदी में आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में जो भी बताने वाला हूँ वो 100% वेल रिसर्च और प्रूवन होगा, और मैं अपनी रिसर्च की लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उन्हें खुद देख सकें। आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और जानिए सिंड्रोम के बारे में और इससे बचने की एक्सपर्ट एडवाइस। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सिंड्रोम किसी के भी साथ हो सकता है, इसमें एज फैक्टर काम नहीं करता। ये हर उस व्यक्ति को हो सकता है जो एक्सेसिव मोबाइल फ़ोन से कंप्यूटर यूज़ करता हो, और ये केवल आपके नेक पर इफेक्ट नहीं डालता बल्कि ये आपके शोल्डर पेन, अपर बैक पेन और सर दर्द भी दे सकता है। दोस्तों, इस सिंड्रोम के पीछे का कारण समझते हैं कि ये नेक पर कैसे असर डालता है। देखिए, जब भी आप अपनी गर्दन को स्मार्टफोन चलाने के लिए फ्लेक्स करते हैं तो इसका सीधा असर आपकी स्पाइन पर पड़ता है। जब हम अपनी गर्दन को 15 डिग्री आगे की तरफ झुकाते हैं तब तक हमारी गर्दन पर 27 पाउंड्स यानी कि लगभग 13.5 किलो का फोर्स लगता है, और अगर गर्दन को 30 डिग्री तक झुकाते हैं तो ये फोर्स बढ़कर के 20 kg तक हो जाता है, और अगर गर्दन को 45 डिग्री झुकाया तो 25 kg, और अगर 60 डिग्री तक अगर आप गर्दन को मोड़ते हैं तो ये वेट बढ़कर के 30 kg तक हो सकता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए 30 kg का फोर्स आपकी गर्दन कैसे हैंडल करती होगी, और वो भी कंटिन्यूसली। कभी एक खाली सिलेंडर लिफ्ट करके देखिएगा दोस्त, तब आपको पता चलेगा कि हमारी गर्दन क्या फील करती है, जबकि खाली सिलेंडर सिर्फ 15 kg का होता है, और वो 15 kg की जगह अगर हम 60 डिग्री पर अपनी गर्दन मोड़ते हैं तो 30 kg का फोर्स हमारी गर्दन कैसे फेस कर रही होगी। हालांकि इस सिंड्रोम के खास लक्षणों में से आपकी गर्दन को आसानी से मूव ना कर पाना, अपनी गर्दन में दर्द होना, हो सकता है इसकी वजह से आपके शोल्डर्स की मसल्स जैसे कि ट्रेपेजियस, रोम्बॉइड्स एट्सेट्रा वीक होने लगती हैं, सरदर्द की भी लक्षण होने लगते हैं। ये सिंड्रोम आपको अर्ली अर्थराइटिस के भी मुंह में धकेल सकता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे बचा कैसे जाए। देखिए, आज के समय में कोई भी व्यक्ति अपना स्मार्टफोन या कंप्यूटर के बिना नहीं रह सकता, वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, मगर कुछ बेसिक गाइडलाइंस तो ज़रूर हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि हम एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्मार्टफोन अवॉइड कर सकते हैं, बीच बीच में ब्रेक लेते रहिए। हम प्रोलॉन्ग्ड स्टैटिक पोस्चर्स यानी कि लंबे समय तक एक जैसी पोस्चर में बैठने को भी खुद से रोक सकते हैं, थोड़ा यहाँ वहाँ बॉडी को मूव करते ही रहें। हम अपने गैजेट्स को इस तरह से पोजीशन कर सकते हैं कि जिससे कि गर्दन या सर पर ज़्यादा लोड ना पड़े। काफ़ी लंबे समय तक आप टाइपिंग को भी अवॉइड करें, किसी एक हाथ में लंबे समय तक अपने डिवाइस को होल्ड करने से भी बचें, और इसके साथ आप टेक्स्ट नेक नाम की एक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जो कि बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। उसमें कई सारी टेक्निक्स दी गई हैं जो आपको मदद कर सकती हैं, और कुछ एक्सरसाइज भी हैं जिन्हें हम आसानी से बिना किसी इक्विपमेंट के भी कर सकते हैं, जिनकी वजह से आप इस सिंड्रोम को दूर भगा सकते हैं। जैसे कि आप एग्जैजरेटेड नॉड, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, कैट एंड काउ, पदहस्तासन और धनुरासन, ये सारे एक्सरसाइज जो हैं आपको इस सिंड्रोम से बचा सकती हैं। ध्यान रखें कि गैजेट्स यूज़ करते टाइम अपनी स्पाइन को सीधा रखने की कोशिश करें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो फ्रेंड्स, मैंने आप सभी यूज़र्स के भले के लिए वीडियो बनाया है, आप प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्रियजनों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। ये उन्हें किसी भी फिजियो के पास बार बार जाने से बचा सकता है, और अगर आप अपने घर में कोई बच्चा है जो एक्सेसिव गेमिंग करता हो, एक्सेसिव वीडियोज़ देखता हो, तो उसे ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें। दैट वॉज द वीडियो गाइज। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड सजेस्ट मी द टॉपिक फॉर माई नेक्स्ट वीडियोज जस्ट लाइक दिस वन, एंड गिव अ बिग शाउट आउट टू श्रेयस पाल हु हैज सजेस्टेड मी द टॉपिक। हिज फेसबुक हैंडल इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। विद दैट बींग सेड, माई नेम इज शिवम।
एंड यू आर वॉचिंग एक्सपर्ट एडवाइस एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।